एक्सपर्ट्स कहते हैं लॉन्ग टर्म में सरकार की गोल्ड पॉलिसी सही है, क्योंकि इससे गोल्ड की स्मगलिंग पर असर पड़ेगा और ऐसे में सरकार के लिए जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने इस बार के आम बजट में सोना चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई थी, इसे 15% से 6% कर दिया। इसी के चलते सोने के दाम में गिरावट का दौर जारी है। 23 जुलाई को इसमें 3,616 रुपए और 24 जुलाई को 451 रुपए की गिरावट आई थी। 25 जुलाई को सोना 974 रुपए गिरकर 68,177 रुपए पर आ गया है। वहीं चांदी 3,061 रुपए गिरकर 81,801 रुपए प्रति किलो पर आ गई। कि सोने के भाव 5,000 डायरेक्ट कम हो गया और घर में शादी भी है तो सोना में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा ही है। कि जब घोषणा हुई उसके बाद पता चला कि गोल्ड सस्ता हुआ है, 66,000 तक आ गया है, तो फिर हमने सोचा कि अब अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गिरावट अभी टेम्पररी है, अमेरिकी चुनाव और ग्लोबल टेंशन को देखते हुए आगे प्राइस रिकवर कर लेगा। हालांकि उन लोगों के लिए खरीदने का अच्छा मौका है जो शादी ब्याह के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं। एक अंगूठी आप समझिएगा कि मेकिंग लगा के 70-80 हज़ार की पड़ती थी, वो आज खाली 70,000 की रह गई। तो एक अंगूठी में ही 10,000 रुपये का, 8 से 10,000 रुपये का फ़र्क आएगा। तो बाकी ज्वेलरी जो सेट वेट कड़े चूड़ियाँ बननी है उसमें कस्टमर को कितना फ़ायदा होगा। बजट के बाद सोने और चांदी के दाम में गिरावट का दौर लगातार जारी है। पिछले 3 दिन में सोना 5,000 रुपये सस्ता हो चुका है। मिनरल्स पर रॉयल्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। 9 जजों की बेंच ने 8-1 के बहुमत से राज्यों के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मिनरल्स पर दी जाने वाली रॉयल्टी टैक्स नहीं है, राज्यों के पास खनिज पर टैक्स लगाने का अधिकार है। राज्य विधानसभा को खनन पर टैक्स से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार खनन पर टैक्स वसूलने के राज्य की शक्ति को सीमित कर सकती है, लेकिन उसे पूरी तरह रोक नहीं सकती। 1989 में इंडिया सीमेंट्स बनाम तमिलनाडु सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि खनिजों पर रॉयल्टी एक तरह का टैक्स है। इस फैसले के खिलाफ खनिज कंपनियों और अलग अलग राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 86 याचिकाएं दायर की गई थी। केस को साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच को भेजा गया था। 14 मार्च को 8 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खनिज बहुल झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को फायदा होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के लिए अब स्टूडेंट्स को और ज्यादा मेहनत करनी होगी। यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए प्रमोशन के नियम बदल दिए हैं। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो आपके लिए पढ़ाई थोड़ी मुश्किल होने वाली है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पासिंग मार्क्स वाला सिस्टम बदल दिया है। 50% अंक लाने पर छात्रों को अगले सेमेस्टर या अगले ईयर में प्रमोट कर दिया जाता था, अब ये सिस्टम बदलने वाला है। अब स्टूडेंट्स को प्रमोशन के लिए एलिजिबल होने के लिए पहले और दूसरे सेमेस्टर में कुल मिलाकर 63% अंक लाने होंगे। ये नियम DU के सभी कॉलेजों में लागू होगा और सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए मान्य होगा। 63% ऑफ द क्रेडिट्स, हमारा टोटल क्रेडिट्स है 44 पर ईयर आपको पास करना है। हमने 44 क्रेडिट्स को पास करना है तो उसमें हम कह रहे हैं कि मिनिमम आपको 28 क्रेडिट्स अगर पास कर गए तो आपने यू विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल। पिछले पासिंग और प्रमोशन नियमों के मुताबिक छात्र को कोर्स के पहले साल से दूसरे साल में प्रमोशन लेने के लिए पहले और दूसरे सेमेस्टर में कुल 50% परीक्षाएं पास करनी होती थी। छात्रों को प्रमोशन लेने के लिए 7 पेपर पास करने होते थे और कुल 22 क्रेडिट हासिल करने होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब छात्र को 28 क्रेडिट हासिल करने होंगे। हालांकि DU प्रशासन का कहना है कि एग्जाम पासिंग परसेंटेज 40% ही रहेगी। कि आपने 10 क्रेडिट से मिनिमम अगर 6 क्रेडिट अगर पास नहीं किए तो आपको फिर तो उसी प्रमोट नहीं हो पाएंगे। एक और जरूरी बात, जो छात्र खेलकूद, NCC, NSS या दूसरी गतिविधियों में दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें इस नियम से छूट मिल सकती है।
आज देश के राष्ट्रपति का अलग अंदाज देखने को मिला। महामहिम द्रौपदी मुर्मू टीचर के रूप में स्टूडेंट्स को पढ़ाती नजर आईं। दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में जब बच्चों के क्लासरूम में राष्ट्रपति पहुंची तो एक पल के लिए बच्चे सरप्राइज्ड हो गए। राष्ट्रपति मुर्मू ने 9वीं क्लास के बच्चों के साथ बातचीत की, पर्यावरण बचाव पर जोर दिया, बच्चों से कहा उन्हें भी अपने आसपास पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट समझाया। महामहिम ने बच्चों से सवाल भी पूछे, बच्चों ने भी इस स्पेशल क्लास को खूब एंजॉय किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वो बहुत दिनों से सोच रही थी कि बच्चों से बात करें और उनसे बहुत कुछ सीखें। दरअसल राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू के 2 साल पूरे हुए। 25 जुलाई 2022 को उन्होंने भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल का नाम बदल दिया गया। अब दरबार और अशोक हॉल को गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कहा जाएगा। हालांकि इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि दरबार का कॉन्सेप्ट तो नहीं है लेकिन शहंशाह का है।